कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के जनपद के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में 700 कैंप आयोजित किया तथा 2,00,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने 60,000 कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया है तथा प्रशिक्षण लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाकर उनके समस्याओं को जानेगी तथा उन समस्याओं को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, लेकिन अब की बार कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, बहुत मेहरबानी होगी, बैठो भाई, सब लोग बैठ जाए, सबसे निवेदन है कि बैठ जाए, सबके लिए बैठक है, सब लोग बैठ जाए, अभी कुर्सी और लग देखिए, प्रशिक्षण शिविर को लेकर पिछले दिनों हम लोगों ने हर गांव कांग्रेस बनाने का जो लक्ष्य था उसको लेकर और निश्चित तौर से आने वाले दिन में जो प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है उसको लेकर आज हम लोगों ने यहां बैठक का आयोजन किया है। सर, मिशन 2022 को लेकर क्या तैयारी है? गांव-गांव जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और 32 सालों के इस कुशासन को जनता को बताएंगे। परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है।